देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं जा रहे हैं, ये तो कांग्रेस का अपना मामला है। इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि मुझे टिप्पणी करनी चाहिए। मगर आदि शंकराचार्य आज से सैकड़ों साल पहले हुए, उनको भगवान शिव का अवतार माना जाता है। तो कहा जा सकता है कि वैदिक ईश्वरीय परंपरा जो है हमारी, उसमें आदि शंकराचार्य जी ने चार पीठ स्थापित किए, मठ स्थापित किए, और चारों मठों के एक एक शंकराचार्य हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण। और उन चारों के जो शंकराचार्य हैं, उसका मतलब ये है कि सनातन धर्म में, सनातन हिंदू धर्म में अब शास्त्रों से संबंधित कोई भी सवाल होगा तो उसकी व्याख्या, उसका उत्तर जो है शंकराचार्य देंगे। और ये चारों शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि मंदिर पूरा नहीं हुआ, मंदिर इनकम्प्लीट है, ऐसे में उसकी प्राण प्रतिष्ठा वैदिक विचारधारा के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से वो कह रहे हैं कि ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनकी बात का आदर हिंदू धर्म में होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़े हैं हिंदू धर्म में। उनसे बड़ा कोई आदमी नहीं है जो इस हिंदू धर्म की परिभाषा बता सके, क्या सही है क्या गलत है वो बता सके। जैसे ईसाई धर्म में पोप होते हैं, बुद्धों में दलाई लामा होते हैं, ये तो वो हैं जो मनुष्यों ने बनाए हैं। मगर हमारे जो शंकराचार्य हैं, इसको ईश्वरीय परंपरा कहा जाता है कि ईश्वर ने स्वयं आके चार जगहों पे मठ स्थापित करके वहाँ पे शंकराचार्यों की जो परंपरा है वो बनाई है। तो उनका ना जाना दुखद है, और मुझे लगता है सरकार को, अगर मैं सरकार में होता तो मैं उनके आगे हाथ जोड़ता, मैं उनके पैर पड़ता और मैं उनके चरण पकड़ के बैठ जाता कि नहीं, आपके बिना कैसे हो जाएगी प्राण प्रतिष्ठा। तो मुझे लग रहा है सरकार को कैसे भी उनके दर पे जाना चाहिए, उनसे बड़ा कोई नहीं है, उन्हें मनाना चाहिए। और अगर वो बात जो कह रहे हैं वो मानी जा सकती है तो वो माननी भी चाहिए, क्योंकि उनसे बड़ा हिंदू धर्म के अंदर कोई नहीं है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कल खबर है अपना प्लान तैयार करें, लेकिन अब तक इनविटेशन नहीं मिला, अगर मिलता है तो क्या जाएंगे या क्या चाहिए? देखिए, मेरी जो चर्चा हुई थी मुख्यमंत्री जी से, उसके अंदर उन्होंने कहा कि उनको एक कम्युनिकेशन आया जिसमें कहा गया कि भाई ये 21 और 22 के 2 दिन आप अपने कैलेंडर में ब्लॉक कीजिए प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए, और आपको जो आधिकारिक निमंत्रण है वो हम जल्द भेजेंगे। तो वो जो आधिकारिक निमंत्रण है वो अभी तक तो नहीं आया, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो हम इंतज़ार करेंगे कि उनको जो है फॉर्मल इनविटेशन जो है, जो मैं अखबारों में पढ़ रहा हूँ कि सभी अलग अलग नेताओं को दे दिया गया है, मुझे बताया गया कि कल आरएसएस के प्रमुख को भी दिया गया है, तो वो जो है मुझे लगता है कि केजरीवाल जी को देंगे। तो मुझे लगता है उस पर वो जो है फिर आगे का निर्णय लेंगे, अभी तक तो इनविटेशन आया नहीं है। कल एक बड़ी खबर आई, तो शिवसेना बढ़ गई थी, उस पर स्पीकर की तरफ से फैसला सुनाया जाना था, तो एक नाथ शिंदे का जो ग्रुप है उसे रियल शिवसेना माना गया, उसे लेकर जो उद्धव ठाकरे का ग्रुप है वो सवाल उठा रहा है और इसे लोकतंत्र की हत्या तक करार दिया देखिए, गया। कानून जो देश का बना, या मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में भी जो कानून है वो बेसिकली कॉमन सेंस पे आधारित है, कि एक आदमी अगर न्याय करने बैठेगा तो क्या न्याय किया जाएगा। अगर आप इसको न्यूट्रल तरीके से देखें तो ये पार्टी वो पार्टी है जो बाला साहब ठाकरे ने शुरू की और उद्धव ठाकरे के पास थी। उसके अंदर कुछ विधायकों ने बगावत की, उन्होंने पार्टी तोड़ी और उन्होंने एक नई सरकार बनाई, अपनी सरकार गिरा दी। मुझे लगता है हर एक न्यूट्रल आदमी आज ये कहेगा कि जो पार्टी तोड़ के बाहर गए वो बागी थे। मगर स्पीकर साहब ने एक दूसरा ही जो है वो दिया फैसला, और वो बहुत ही सामान्य बात थी। स्पीकर जिस पार्टी से आते हैं, जाहिर सी बात है कि वो शिंदे ग्रुप से आते हैं, तो वो उनके पक्ष में फैसला देंगे, ऐसा माना ही जा रहा था। तो ये बहुत दुखद है, और इससे देश के अंदर पार्टियों की तोड़फोड़ को बढ़ावा मिलेगा, इससे देश में स्टेबल गवर्नमेंट चलाना मुश्किल होगा, इससे लालच से, डर से, भय से, एजेंसियों के डंडे से सरकारों को तोड़ना आसान होगा। एक दूसरी खबर आई जिसमें फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं उनको समन किया है। अब देखिए, आप तो आप मैं आपको बता रहा हूं कि अब कोई भी अपोजिशन का लीडर और कोई भी बिजनेसमैन इस देश में ईडी की गिरफ्त से बाहर नहीं है। जिसको चाहे ईडी जब चाहे नोटिस दे सकती है, जब चाहे बुला सकती है, जब चाहे गिरफ्तार कर सकती है, इतनी ताकत है इस वक्त ईडी के अंदर।
और ईडी के बल पे केंद्र सरकार आज पूरे देश को नचा रही है। इंडिया ब्लॉक की जो चर्चा हो रही है कश्मीर के, जो उमर अब्दुल्ला है, उन्होंने कहा कि हमें तेज करने की जरूरत है, जो सीट शेयरिंग का की चर्चा है, सीटें फाइनल करने की जरूरत है, खासतौर पे जो बड़े राज्य हैं वहाँ पे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि फिलहाल तो कांग्रेस इसके अंदर कोताही नहीं बरत रही, फिलहाल तो कांग्रेस इसको स्पीडीली कर रही है, क्योंकि मैं देखता हूँ अखबारों से कि लगभग रोज़ ही उनकी किसी ना किसी दल के साथ बैठक हो रही है किसी ना किसी राज्य के विषय में। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि कांग्रेस ने एक एक्सरसाइज को शुरू करने में देरी की, उनको ये एक्सरसाइज आज से 3 महीने पहले शुरू कर देनी चाहिए थी, और आज पूरा का पूरा विपक्ष इंडिया दल जो है अपनी कैंपेन मोड में होना चाहिए था। आम आदमी पार्टी के साथ जो चर्चा तक पहुंची है और अगली मीटिंग आपने कहा था कि कल परसों हो सकती है, तो कब? जल्द ही वो मीटिंग हो सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा तो सब टीवी वाले लोग वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मैं समय और स्थान नहीं बताना चाहूंगा, मगर वो जल्द होने वाली है। हमारी लगातार कन्वर्सेशंस हो रही हैं, वी आर इन टच। और क्या होता है कि क्योंकि 7-8 लोग हैं वहाँ, बहुत सारे लोग हैं, सलमान खुर्शीद साहब हैं और उनके दो पुराने मुख्यमंत्री हैं, गहलोत साहब हैं, भूपेश बघेल हैं, फिर ये जो खुद मुकुल वासनिक हैं, तो ये 4 लोग हो गए, हमारी तरफ से 3-4 लोग हो गए, तो 8 लोग जो एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं उनका एक समय पे एक जगह होना ही एक छोटी सी कठिनाई होती है, तो मुझे लगता है 1-2 दिन में वो हो जाएगा। सीटों को लेकर सार्थक चर्चा हो रही है, क्योंकि दिल्ली को कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा सीटें। नहीं, मुझे नहीं लगता कि सीटों को लेकर कोई झगड़ा होगा, हमारी और कांग्रेस की दोनों की इस चीज़ पे काफ़ी बातचीत हुई है कि पहली चीज़ है देश को बचाना, पहली चीज़ है देश के अंदर जो है संविधान को, प्रजातंत्र को, लोगों की भलाई को बचाना। पंजाब में जो बीते दिन ने पंजाब का टेबलॉइड जो झांसी था उसे रिजेक्ट कर दिया, उस पर काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया थी भगवंत मान की तरफ से। खबर आई है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो सभी राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है उससे भगवंत मान सरकार ने हाथ खींच लिया, उसे अपना समर्थन नहीं दे रही और इसे बदले की कार्रवाई कहा जा रहा है। देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा प्योरली एक पॉलिटिकल काम है जिसको सरकारी तंत्र द्वारा सरकारी खर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन की तैयारियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई और राज्य सरकार अगर ये करती तो उसको नहीं करने दिया जाता। हमारे दिल्ली के अंदर चुनाव हैं, क्या विकसित दिल्ली विकास यात्रा ये अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में निकालने देंगे सरकारी खर्चे पे? मैं जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से। अगर निकालने देंगे तो ठीक है, 100 रोड़े 100 अड़चने अड़काएंगे। तो ये जो राजनीतिकरण हो रहा है सरकारी तंत्र का वो गलत है, क्योंकि इस पे सवाल उठ रहे हैं कि केंद्र सरकार ने इसलिए ऐसा किया भगवंत मान सरकार ने। नहीं, सिर्फ ये मामला नहीं है, एक सौतेलापन केंद्र सरकार का अपोजिशन पार्टीज की सरकारों के प्रति तो बहुत साफ है। उनके LG हों, गवर्नर हों, वो लगभग रोज़ चुने हुए मुख्यमंत्रियों को परेशान करते हैं, लोगों से जुड़ी हुई पॉलिसीज़ को, एक्ट्स को, बिल्स को रोकते हैं, हर चीज़ के अंदर परेशानी करते हैं। केंद्र को जो पैसा राज्यों को देना है, चाहे GST का पैसा हो या और स्कीमों के अंदर हेल्थ की स्कीमों का पैसा हो, अर्बन डेवलपमेंट की स्कीमों का पैसा हो, हर पैसे को जो है केंद्र सरकार रोकता है, केंद्र जो है राज्य की अपोजिशन पार्टी की सरकारों को प्रताड़ित करता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।